नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये मैं जो कॉलर पे हाथ लगाता हूं, ये कोई नाम लेते समय या स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। एक्चुअली क्या कि शर्ट आगे हो जाती तो मैं इसे पीछे करता हूं। अभी दो चार कमेंट्स आने लगे हैं इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने ऐसा कुछ बोला क्योंकि मैंने इस बार भी ऐसा ही करा। तो दोस्तों, बात करूंगा आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में मेटल स्टॉक्स के बारे में। आज के सेशन में इन स्टॉक्स में तूफानी तेजी आती हुई दिखी है। पूरी की पूरी मार्केट में आज काफी शानदार जोरदार पुल बैक, बाउंस बैक, या फिर आप तेजी कुछ भी समझ लीजिए था। ग्लोबल मार्केट्स देखोगे, अगर आप ग्लोबली मार्केट्स आज कहीं ना कहीं रैली करते हुए दिख रहे हैं। कल से शुरुआत हुई है जब डाओ फ्यूचर्स, डाओ जोन्स, इनफैक्ट डाओ फ्यूचर्स तो 100 पॉइंट्स ऊपर थे जब मैंने कल क्लोजिंग वाली वीडियो अपलोड करी थी। लेकिन जाते जाते अगर मैंने जब डाओ जोन्स को एंड देखा तो वो 700 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखोगे, ग्लोबली कहीं ना कहीं तंगड़ी तूफानी तेजी आती हुई दिखी है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखो 420 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। नेस्डेक इंडेक्स में 2.5% के समथिंग की तेजी, फिटसी में लगभग 2%, कैक 3%, डेक्स 3%, स्ट्रेट टाइम 1%, हैंगसेंग में नेगेटिव, वो चाइना अलग ही चलता रहता है, ताइवान 2% ऊपर, कॉस्पी। तो सारे के सारे कहीं ना कहीं तंगड़ी तेजी के साथ आपके सामने कल के सेशन में ट्रेड होते हुए दिखे। लेकिन आज के बाजार के बारे में बात करें तो मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा लीडरशिप जो है वो मेटल स्टॉक्स से आती हुई दिखी है। अगर निफ्टी मेटल की बात करें तो 3.13% की तेजी देखने को मिली और यही एकमात्र ऐसी इंडेक्स थी जो आज 3% से ज्यादा तेज थी। सेकंड पीएसयू बैंक एंड थर्ड निफ्टी आईटी में तेजी थी, लेकिन मेटल्स में तूफानी तेजी थी। अगर आप देखें अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे, ढाई परसेंट ऊपर, एपीएल अपोलो 3% से ज्यादा की तेजी, हिंदुस्तान कॉपर 3% से ज्यादा की तेजी, हिंडालको लगभग 3.5% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 2.5%, जिंदल स्टील 4.5% ऊपर, इनफैक्ट JSL 2% ऊपर, JSW स्टील में 3% की तेजी थी, मॉयल में लगभग 1.71% की तेजी, रत्नामणि मेटल्स में 2.5%। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मेटल्स में काफी शानदार बाउंस बैक, पुल बैक देखने को मिला। एंड हमारे फेवरेट जिन पे मैं मैक्सिमम बात करता हूँ, टाटा स्टील, वेदांता और हिंडालको, इन्हीं तीन स्टॉक्स में आज के सेशन में काफ़ी शानदार एक्शन होता हुआ दिखा। बाकी पूरे मेटल्स में अच्छा था, बट इन तीन स्टॉक्स के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो कैसे अभी मेंटेन करना चाहिए, क्या और तेजी बनेगी, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही एक बेटर ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में बात करते हैं एंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। दोबारा से स्टॉक 100 रुपीज के ऊपर निकलता है वो दिखाई, 101 की क्लोजिंग मिली है, लगभग आज 3% की तेजी देखने को मिली स्टॉक में आप सभी को। शेयर की बात करूं तो लगभग एक हफ्ते में अपने लोस से ये स्टॉक 6% ऊपर आ गया है। बाकी एक महीने की बात करें तो टॉप से ये स्टॉक में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। 3 महीने में 18% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, 6 महीने में 25% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। क्योंकि मेटल स्टॉक्स में काफ़ी हैवी सेल ऑफ, काफ़ी हैवी गिरावट देखने को मिली, जिसके पीछे के दो बड़े रीज़न है। पहला तो सप्लाई और डिमांड दोनों में मिसमैच है इस समय, डिमांड की कमी है और प्रोडक्शन अच्छा खासा चल ही रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पहला सबसे बड़ा रीजन है। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस के भी दाम नीचे आए, तो कहीं ना कहीं आपने पिटाई पड़ते हुए देखी इन स्टॉक्स में। अब बात करें अगर इन स्टॉक्स के बारे में तो सबसे पहले, इससे पहले आपको कमोडिटी के प्राइसेस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी कमोडिटी स्टॉक के बारे में बात करें तो उससे पहले उसके कमोडिटी के प्राइसेस जरूर चेक कर लो। आज के सेशन में जो इनमें तेजी आई है उसके पीछे का मेन रीजन तो कमोडिटी के प्राइसेस ही हैं। अगर आप मेटल में कमोडिटी के प्राइसेस देखने निकलेंगे तो आयरन और इनफैक्ट एचआरसी स्टील पे जरा नजर डालिए, 3% इनफैक्ट 2.60% की तेजी देखने को मिल रही है आपको एचआरसी स्टील में, इसीलिए आज आपने स्टील स्टॉक्स में भी तेजी देखी है। लेकिन मेन तेजी जो है ना वो स्टील में नहीं थी, मेन थी एल्यूमिनियम में। 2.5% कमोडिटी के प्राइसेस आपको छलते हुए दिखे, निकल 0.5% ऊपर, टिन में 0.5% की, जिंक में 0.5% की तेजी और टिन में भी 0.5% की तेजी। लेकिन मेन लीड जो आई है वो एल्यूमिनियम से आई है, लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। और इसी के चलते हिंडालको में भी काफी शानदार मूव था, क्योंकि हिंडालको एक एल्यूमिनियम काउंटर। सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में बात कर रहा था तो टाटा स्टील के बारे में ही बात करते हैं। अगर इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जब तक 105 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं इस स्टॉक पे अभी भी बुलिश नहीं हूं, मुझे शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, दोबारा से गिरावट हो सकती है। ये होगी मेरी टाटा स्टील के ऊपर बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, हिंडालको के शेयर के बारे में। दोस्तों, हिंडालको पे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आप सभी के साथ कहा था कि मेटल्स में मुझे हिंडालको अच्छा लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखें तो यहाँ भी अगर आपने देखेंगे तो एक सेल ऑफ आया था, शार्प स्पाइक आया था जहाँ 412 से गिरा था। कल भी मैंने आप सभी से यही कहा था कि ये स्टॉक ऊपर में लगभग 405 से 410 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, वही मैं अभी भी कहूंगा। सुपर बुलिश मैं अभी भी नहीं हूँ इस स्टॉक को लेकर, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज से मैं सुपर बुलिश हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम में मुझे काफी अच्छी ग्रोथ दिखती है, काफी अच्छी अट्रैक्शन दिखती है और इन लेवल्स पे ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो वो इस स्टॉक पे लगभग आप सभी को मैं बता दूं 500-550 रुपए के टारगेट्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा दिखता है ये स्टॉक। चलिए लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वेदांता। दोस्तों ये शेयर आज तूफानी तेजी में था, अगर आप मेरी कल वाली मेटा स्टॉक्स क्रैश करके मैंने जो वीडियो बनाई थी वो देखेंगे तो आपको एक ही चीज दिखेगी, मैंने इन तीनों स्टॉक्स में केवल एक शेयर रिकमेंड करा था, वो वेदांता था। क्यों? क्योंकि इसका चार्ट सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है हमें। इस शेयर की बात करें तो काफी लंबा समय इस स्टॉक ने 260-265 तक बिताया था। ये स्टॉक ऊपर में फिर 320 तक गया जब इसकी सेमीकंडक्टर चिप की बात चली, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिखा कि वेदांता खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी कर रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी इनफैक्ट। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ और उन्हीं लेवल्स पे आया जहां तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी, 260-270 तक। 266 पे स्टॉक कल था और आज 279 पे आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में तूफानी तेजी आई है, ये शेयर मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, गिरावट काफी अच्छी हुई है। डिविडेंड की बात करें तो 35.55% का डिविडेंड यील्ड रखती है ये कंपनी, बहुत ही तंगड़ी है। बस इसमें एक ही कमी है, वो इसकी जितनी भी प्रमोटर्स के पास इक्विटी है वो सारी की सारी प्लेज्ड है। क्यों है, क्या रीजन है ये नहीं पता है, बट है और यही नेगेटिव है, अदरवाइज सब कुछ इस स्टॉक में सुपर पॉजिटिव है और मैं इस स्टॉक पे काफी बुलिश हूं। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं डिप का वेट करने के लिए कहूंगा, काफी ऊपर आ गया है, ऊपर में 285-290 पे आए तो प्रॉफिट बुक करें। तो ये मेरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।